पिछले पार्ट में पुलिस वाले एलेक्स और उसके दोस्तों को लकड़ी के डब्बों में बंद करके इन्हें एक जहाज से कहीं भेज दिया था। उसके बाद उस जहाज में चार बदमाश पेंगुइन्स आकर इस जहाज के कैप्टन को मारकर बेहोश कर देते हैं और इस जहाज को दूसरी ओर मुड़ाने लगते हैं, जिससे एलेक्स और उसके दोस्त अपने डब्बों के साथ समुद्र में गिर जाते हैं। फिर कुछ समय बाद एलेक्स समुद्र के किनारे पर पहुंच जाता है। ये वहां घना जंगल देखकर भागने लगता है। सुबह होते ही एलेक्स के तीनों दोस्त मिल जाते हैं। तभी एलेक्स को जंगल में कोई आवाज सुनाई देता है, तो एलेक्स अपने दोस्तों को लेके जंगल में जाने लगता है। वहां जाकर ये देखते हैं कि कुछ छोटी गिलहरियां मिलकर जंगल में पार्टी कर रही होती हैं। तभी वहां कुछ भेड़िया आकर इन गिलहरियों पर हमला कर देते हैं, तो एलेक्स जाकर उन भेड़ियों को भगाता है। फिर इन गिलहरियों का मुखिया वहां आकर एलेक्स का स्वागत करता है। उसके बाद एलेक्स इस मुखिया से इंसानों का पता पूछता है, तो मुखिया इसे एक मरे हुए इंसान का कंकाल दिखा देता है, जिसे देखते ही एलेक्स अपने दोस्तों के साथ वापस किनारे पर लौट जाता है।